गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सेवन श्लोक की व्याख्या आप देखेंगे, एक एक शब्द कर्म धर्म। यत्रापि कुत्रापि गतः भवेयुः हंसः मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां हि सरोवराणां येषां मरालय सह विप्रयोगः। मही मंडल मंडनाय, मही धरती पृथ्वी, मंडल मंडलाय शोभा के लिए, धरती की शोभा के लिए, यत्र जहाँ, कुत्र कहाँ, अर्थात कहीं भी, जहाँ कहीं अपि भी, जहाँ कहीं भी हंसः हंस गतः भवेयु चले जाते हैं, गए हुए होते हैं, ही निश्चय ही तेषां उन सरोवराणाम तालाबों का तू तो हानि ही अक्षय है या नाश है, ये शाम जिन तालाबों के मरालय हंसों से सह साथ विप्रयोग है, वियोग हो जाता है। अर्थात इस पृथ्वी की शोभा के लिए हंस जो है एक पक्षी विशेष है, अच्छा माना जाता है, जहाँ कहीं भी वो चले जाते हैं, लेकिन उन तालाबों की हानि होती है, नुकसान होता है, उनकी शोभा कम हो जाती है जिन तालाबों को छोड़ करके हंस चले जाते हैं। क्योंकि अच्छे व्यक्ति की, अच्छी चीज़ों की कमी हर जगह महसूस होती है, तो जिस प्रकार से हंस जो है इस पृथ्वी की शोभा को बढ़ाने के लिए जहाँ कहीं भी जाते हैं उसकी शोभा बढ़ जाती है, लेकिन जहाँ से वो जाते हैं निश्चित रूप से उसकी शोभा जो है वो कम हो जाती है। तो अच्छे लोगों की शोभा, अच्छी चीज़ों की महत्ता का हर जगह ही जरूरत होती है, सभी उसके महत्व को समझते हैं। संभावित प्रश्न देखेंगे। के भवेयुः, हंसः कीदृशः भवेयुः, हंसः कुत्र गतः भवेयुः, भवेयुः हंसः किमर्थं यत्र कुत्रापि गतः भवेयुः, हंसानां मही मंडल मंडनाय यत्र कुत्रापि गमनेन किम भवति, हंसानां मही मंडल मंडनाय यत्र कुत्रापि गमनेन केषां हानि भवति, हंसानां मही मंडल मंडलाय यत्र कुत्रापि गमनेन केषां सरोवराणां हानि भवति, हंसानां मही मंडल मंडनाय यत्र कुत्रापि गमनेन तेषां सरोवराणां कैसह वियोगः भवति, हंसानां मही मंडल मंडनाय यत्र कुत्रापि गमनेन किम भवति, हंसानां मही मंडल मंडनाय यत्र कुत्रापि गमनेन कयोः वियोगः भवति, हंसः सरोवरयोः वियोगेन सरोवराः कीदृशाः भवन्ति। ये इनके संभावित प्रश्न हैं। हिंदी का अर्थ आप देखेंगे, मैं बता रहा हूँ। पृथ्वी की को सुशोभित करने के लिए हंस जहाँ कहीं भी जाएं, निश्चय ही उन सरोवरों की तो हानि ही है जिन्हें हंस छोड़कर दूसरी जगह चले जाते हैं। अर्थात जिन सरोवरों से हंसों का वियोग हो जाता है उन सरोवरों का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। इसीलिए अच्छी चीज़ की हर जगह जरूरत होती है, जब उस स्थान को वो छोड़ देती है तो निश्चित रूप से उसकी कमी हमें महसूस होती है। धन्यवाद।